अपने एक वृत्त के चाप की लंबाई 4 सेमी और त्रिज्या 6 सेमी है, वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताओ। तो सबसे इसका छोटा सूत्र जो है वो तो ये होता है कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल बराबर 1/2 एल गुणा आर। एल होता है चाप की लंबाई और आर होती है त्रिज्या, ठीक है। इस हिसाब से इसका सूत्र बना त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 1/2 गुणा एल। एल कितना है 4 सेमी और आर कितना 6 × 2 = 12 वर्ग सेमी। लेकिन अपने इसको दूसरे तरीके से, पहले अपने को दूसरी जो विधि है वो थोड़ी बड़ी है, उस विधि से अगर हम करना चाहेंगे इसको, तो करने के लिए सबसे पहले अपने को L बराबर अपने 4 सेमी, R बराबर 6 सेमी और थीटा कोण जो है थीटा वो अपने पास है नहीं, ठीक है। अब अपने जब चाप की जब लंबाई निकालते हैं, चाप की जब लंबाई निकालते हैं यानी L बराबर होता है पाई आर थीटा बटा 180, पाई आर थीटा बटा 180। ये चाप और कुछ नहीं है। देखो परिधि का जो, जिस प्रकार ये वृत्त है इसके एक साइड से ये त्रिज्याखंड बन गया, इसके यहाँ से ये चाप है, यहाँ से लेकर ये दीर्घवृत्त का चाप है और ये लघुवृत्त का चाप है। चाप परिधि होती है, चाप क्या होती है परिधि। अब अपने को परिधि का सूत्र जैसे याद है 2 पाई आर और ये इस पे कोण कितने का बनता है 360 डिग्री का, कितना बनता है 360 डिग्री का, ठीक है। अब अपने थीटा जो भी है वो थीटा यहाँ लगाएंगे, इसको इससे काटो 180, तो ये बन गया देखो पाई आर थीटा बटा 180। ये सूत्र इसी से बना है परिधि वाले से, पाई आर थीटा बटे 180, ये परिधि वाले से बना है। अब अपने इसको लिख लेते हैं, देखो एल बराबर कितना 4, पाई का मान 22/7 गुणा आर कितना 6 गुणा थीटा बटा 180 हो गया। अब इनका स्थान चेंज करेंगे, जैसे ये हो गया तो थीटा चेंज करते हैं अपने, ये सारे का सारा उल्टा हो जाएगा, 7/22 गुणा 1/6 गुणा 180 बटा थीटा तो यहाँ चला गया और ये 4/2 में आ जाएगा, ये 4 किस में आ जाएगा 1/2 में। गलती हो रही, गलती हो रही, गलती।